गाइज, हमारे घर के बाहर बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी और इसी टाइम पे ये एसी भी ढंग से काम नहीं कर रहा था और इन पंखों से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इसलिए अब इस गर्मी से बचने के लिए हमारे पास बस एक ही ऑप्शन था, आइसक्रीम लाना, वो भी इतनी गर्मी में। अब आइसक्रीम को मैं अकेले तो खाऊंगा नहीं, ये भी खाएगा, इसलिए मैं इसे भी उठा लेता हूँ। अब घर के बाहर जाता हूँ तो देखता हूँ कि मेरी कुत्ता गैंग प्यासा मर रही थी, इसलिए सबसे पहले मैं उनका पानी भरता हूँ। अब धन्नो को चलने का बोलते हैं तो वो तो भाव खा रही थी, फिर लात पे लात दी जब मानी। अब हमारा मन था फैमिली पैक खाने का, जिसको ढूंढते ढूंढते हम घूम जाते हैं। अब हम चुपचाप रिवर्स मार के कोन वाली आइसक्रीम लेने आ जाते हैं, जहाँ पर हमको देखते हैं ये अंकल, जो कि बता नहीं इतनी गर्मी में क्या ऑयली ऑयली खा रहे थे। भैया आइसक्रीम। अब हम आइसक्रीम खरीद ही रहे थे जब ही एकदम से बादल हल्का हल्का रोने लग जाते हैं, मतलब बिन मौसम की बारिश। इसलिए जल्दी से गाड़ी भगा के हम घर पहुंच जाते हैं और फिर कुछ देर बाद, पर कोई ना, हमें तो आइसक्रीम से मतलब है।